हेलो फ्रेंड्स, इंडियन लेडी प्रसाद ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सूजी के चिले बनाकर आपको शेयर करूंगी। सूजी के वेजिटेबल्स चिले कैसे बनते हैं, ये इंस्टेंट कैसे बन सकते हैं, मैं आपको शेयर करूंगी। ये बनाने में बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स जाते हैं। बच्चों को जो वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, आप इसमें डालकर आप बना के खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरी ये वेजिटेबल्स वाली इंस्टेंट सूजी के चीले कैसे बनते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सामग्री देख लेते हैं। देखिए, मैंने लिया है 400 ग्राम सूजी। ये मोटे दाने वाले सूजी हैं, आप बारीक भी ले सकते हैं। और इधर लिया है मैंने एक मीडियम आकार का प्याज, एक गाजर ग्रेट करके ले लिया है। इधर मैंने आधा शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। और इधर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को भी काट लिया है। मैं लूँगी दही। दही मुझे चाहिए 2 बड़े चम्मच। आइए देखते हैं इसे कैसे मिक्स करते हैं। मैं लूँगी सूजी, इसमें डालूँगी सारे ये वेजिटेबल्स। और डालूँगी एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। दही, मैंने 2 बड़े चम्मच दही इसमें डाल दिए। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर को ठीक रखना है, इसको पतला नहीं बनाना है। तो मैं इसे पानी डाल कर मैं इसका एक बैटर तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक थिक बैटर तैयार कर लिया है। इस कप से मैंने 1 कप पानी यूज़ किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और लगाया है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस बैटर को तैयार किया है। पहले ही एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये वाटरी हो जाएंगे। आप पहले पानी कम डालिए, ऐसा ही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। बाद में बनाते वक्त आपको यदि ये गाढ़ा लगे तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको भी डाल के मैं मिक्स कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे आधा घंटा के लिए छोड़ रही हूँ। आधा घंटा ये बैटर जो है अच्छी तरह से फूल जाए, फिर मैं जो है आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं आधा घंटा के लिए, और बाद में हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं इसमें और पानी लगे तो मैं और डालूंगी। अभी इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये जो बैटर है सूजी का, वो मेरा ये जो बैटर है वो गाढ़ा हो चुका था। तो मैंने उसमें और 2 चम्मच ऐसे चम्मच से मैंने पानी मिलाया, और मुझे ऐसे कंसिस्टेंसी में इसे मुझे लाना पड़ा। मुझे ऐसा ही इसका फ्लोई, इसका जो बैटर है चाहिए। ज़्यादा फ्लोई नहीं बनाना है, नहीं तो ये अच्छे से चीले बनकर नहीं आएंगे। मुझे ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैंने पैन को चढ़ा दिया है, पैन मेरा हीट हो रहा है। अब मैं इसे ग्रीस कर ले रही हूँ।
मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से, इसे ऑयल से मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच भर के ये चीले का बैटर, थोड़ा और डालती हूँ और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्लेम को आपको लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसे अच्छी तरह से इस स्पून के मदद से आपको स्प्रेड कर लेना है, ये अच्छी तरह से फैल जाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ज़्यादा फ्लोई भी नहीं रखना है, इसका मीडियम जो बैटर है इसको मीडियम ही रखना है। ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे तो ये फैलेंगे नहीं और ज़्यादा फ्लोई हो जाएंगे तो ये बनेंगे नहीं अच्छी तरह से। तो मैंने जैसे आपको दिखाया वैसा ही कंसिस्टेंसी आपको रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे फैला लिया है और इसे ऊपर से थोड़ा पकने तक मैं इसे ऐसे ही इसे छोड़ रही हूँ। मैंने आँच को अभी हाई कर दिया है, जो पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से थोड़ा ये पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दूंगी ऊपर से, और मैं इसे किनारे से ऐसे उठाते हुए इसे मैं इसे टर्न कर दूंगी। फ्लेम को एक बार फिर मैं लो कर दी हूँ ताकि ये नीचे से जल ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे टर्न कर दूंगी, ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल मैं इसे लगा दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। टर्न करके मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ, इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसे दबा दबा कर हल्का सा, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं तो इसे सावधानी से पलटना है, इसे पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे पकाने में 2 से 3 मिनट लग गए हैं, अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्के से चिट्टे आ जाए फिर आप इसे आप निकाल सकते हैं। मेरा ये जो चिल्ला है वो हो गया है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। नेक्स्ट वाले को भी मैं बना के देखा, थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लेती हूँ एक बार। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है, मैंने इसमें भर के 1.5 चम्मच डाला है और मैं इसे अच्छी तरह से फैला ले रही हूँ। ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, बैटर गाढ़ा रहेगा तो ये फैलेगा नहीं, तो आपको इसे फ्लोई में कंसिस्टेंसी में आपको इसके बैटर को तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डाल के बैटर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी और आप और भी ऐड कर सकते हैं। गाढ़ा हो जाए थोड़ा पानी आप ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसे फैला लिया है, एक बार ऊपर का कलर चेंज हो जाए तब मैं इसमें ऑयल के कुछ बूंदे डालूंगी। अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर दे रही हूँ। इसके मैं डालूंगी अब कुछ ड्रॉप्स ऑयल के और मैं इसे
पलट लूँगी। किनारे से इसे उठाते हुए इसे सावधानी पूर्वक पलट लेना है। ऊपर से भी कुछ डॉफ ऑयल के मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट पलट के अच्छी तरह से पका लिया है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस आप देख लीजिए ऐसा ही आपको कलर आ जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं। ये आपके लिए रेडी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं सारे बैटर से चिले बनाकर आपसे बाद में शेयर करती हूँ। इसे प्लेटिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं। सारे को मैं बना ले रही हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चिले को यहाँ प्लेट कर दिया है। बहुत ही अच्छे चिले बने हैं। सूजी के ये चिले, वेजिटेबल्स वाले, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इसे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक्स में आप बनाकर खा सकते हैं। ये इंस्टेंट बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप भी इसे ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।